सुमिला मैं लेकर जाता हूँ, चलो बच्चों आंटी बिल्कुल ठीक है आ जाओ। अम्मा अम्मा क्वेश्चन दीजिए प्लीज। थैंक यू। मैं पुलिस स्टेशन फोन करके पूछता हूँ बाहर के हालात क्या है। इशिता काले डॉक्टर ने कॉल कैसी, उन्हें बोले हाले दो तीन दिन लगेंगे तो आज कितना पैसे। डोंट वरी मेरी बेटी डॉक्टर है वो सब कुछ ठीक कर देगी। ये डॉक्टर कहाँ है, डेंटिस्ट है। आप लोग प्लीज रिलैक्स कीजिए, आप पैनिक करेंगे तो ये पैनिक करेगी। सुनो घबराओ नहीं तो अंदर बच्चा घबराएगा। ओके सांस लो लंबी। सिमी सिमी इसकी कॉन्ट्रैक्शन जरा टाइम करो ना, घड़ी में देखो कॉन्ट्रैक्शन देखो। त्रिशा प्लीज अपना फोन दो ना। मुझे लगता है शी इज रेडी। इसके डॉक्टर का नंबर है क्या, मैं फोन करके आती हूँ। हेलो हेलो डॉक्टर सीमा जी, मैं डॉक्टर इशिता बोल रही हूँ, मैं पूजा की फ्रेंड हूँ। पूजा खुराना? जी 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 पूजा खुराना, उसको अभी लेबर पेन चालू हो गया है। ओह गॉड, इज शी ओके? नो एक्चुअली क्या है, हम ट्रांसमिना इलाके में और यहाँ पे पूरी जगह पे कर्फ्यू है, हम बाहर भी नहीं निकल सकते। एंड सी आई एम अ डेंटिस्ट, मुझे इसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है। एक काम कीजिए, आप उसे लिटा दीजिए और मुझे सिर्फ इतना बताइए कि उसके पानी का रंग क्या है। क्लियर ट्रांसलूसेंट है। उससे कहिए कि ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट करे। अभी टाइम तो है लेकिन। क्या आप उसे हॉस्पिटल नहीं ला सकते? इट कैन बी डेंजरस अदरवाइज। पर बार कर्फ्यू। ओके मैं लेकर आती हूँ, आप वहाँ पहुँच जाएंगे ना हॉस्पिटल टाइम पे? मैं पहुँच जाऊंगी, मेरे इलाके में कर्फ्यू नहीं है। जी 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 थैंक यू थैंक यू। रिलैक्स। ये क्या डॉक्टर ने, इशिता क्या? डॉक्टर ने कहा कि इसे जल्द से जल्द सिटी हॉस्पिटल ले जाना होगा, जल्दी नहीं किया तो बच्चे को खतरा हो सकता है। लेकिन बाहर से कर्फ्यू है, इमरजेंसी है ना, पुलिस को रिक्वेस्ट करेंगे। कितनी बार फोन करे गए रोमी, कहाँ ना ऑफिस में हूँ, क्या हुआ भाई? बड़ी गड़बड़ हो गई यहाँ पर। अब क्या कर दिया तूने? मैंने कुछ नहीं किया भाई, वो पम्मी आंटी नहीं है, उसकी भतीजी नहीं, पूजा अपनी पूजा। हाँ तो क्या हुआ उसको? भाई वो प्रेग्नेंट है, उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, किसी भी टाइम बच्चा हो सकता है। अब इस कर्फ्यू में कहाँ ले जाए, किस हॉस्पिटल ले जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। तो फिलहाल पूजा के साथ कौन है? इशिता भाभी है, वो थोड़ा बहुत कुछ कर रही है। उन्होंने डॉक्टर को फोन किया है, डॉक्टर ना सिटी हॉस्पिटल आने को कह रही है। अरे डॉक्टर पागल है क्या, कर्फ्यू में कोई हॉस्पिटल कैसे आएगा? ध्यान से मेरी बात सुन, सबको कहे घर पे रहे, कोई कहीं नहीं जाएगा ठीक है। मैं जा रहा हूँ सिटी हॉस्पिटल और वहाँ से एम्बुलेंस लेकर घर पे आता हूँ, और इशिता को खास करके कहना कि कोई होशियारी ना करे प्लीज, और मेरे फोन का वेट करना। ओके ठीक है भाई, ठीक है। बोला कोई बहाना जाए, हम इतनी देर इंतजार नहीं कर सकते, डिलीवरी कभी भी हो सकती है, यहाँ बच्चे को नुकसान पहुँच सकता है। देखिए मैं रास्ते में रमन से बात कर लूंगी, अभी हमें लेकर चलना होगा। बातों में क्यों टाइम वेस्ट करो, चलो ना। ओए रोमी तू परम जी को बुला ले, वो भी चल चलेंगे साथ। हाँ मलिक, आप लोग प्लीज थोड़ा थोड़ा पीछे हटिए ना प्लीज। अब आप लोग इसको नीचे लेकर आओ, मैं एंट्रेंस पे गाड़ी लाती हूँ। जीजू बस 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 बेटा बस पुत्र बस पुत्र बस ठीक हो जाना है। बस बस रिलैक्स रिलैक्स, कुछ नहीं होगा तुम्हें, हम लोग है ना सर। बस पुत्र बस ठीक होगा, बस मैं बच्चा सांस लेते रहो, बस तुम लंबी लंबी सांस लो, बस पुत्र बस ध्यान देना, बस पुत्र ध्यान देना, आराम करना। आप आगे बैठ जाइए। रोमी जी बाबा जी, भाई से ना फोन पे बात करते जाना रास्ते में। जी बाबा जी आप टेंशन ना लो, आप अंदर जाओ। डोंट वरी, आप पुलिस वाले भी समझेंगे। भाभी जी अब आगे, चलो पीछे आते हैं। हाँ हाँ जल्दी आओ आप लोग। हे माता रानी कृपा करना अपनी। बस बस पुत्र बस, मेरा बच्चा बस बस बेटा बस, हाँ बस बेटा बस, मेरा बच्चा बस बस मेरा बच्चा। क्या हुआ पूनम देवी, किधर जा रहे है? सर पता है एमएलए टपक गया है। सर आप गाड़ी के अंदर देखिए एक बार, हमारे साथ एक प्रेग्नेंट वुमन है। अरे बाहर बहुत फसाद हुआ है। सर मैं सब जानती हूँ लेकिन
आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं खुद भी एक डॉक्टर हूँ एंड सर इसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा अच्छा, ओ भाई जान दे, मैडम जी डॉक्टर हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैडम जी संभाल के जाना ध्यान से, आगे माहौल खराब है। ये कौन लोग? वो हमारे साथ हैं। अच्छा अच्छा, ओ भाई जान दे। बैटरी लो, ये गाड़ी का चार्जर। चार्जर चाहिए तभी नहीं होता, कैसे फोन करूं, कहां होगी सीता, कैसे पता करूं? भाभी पूजा कुछ मत कहो, तुम सिर्फ अपनी सांस पे कॉन्सेंट्रेट करो, रिलैक्स, काम कीजिए ना, जरा प्रमन को फोन लगाइए, ये हेडफोन्स। हाँ जी, फोन बंद है, उनके मोबाइल का चार्जर मेरे पास पड़ा है। ओ बहन दी, भाई को क्यों हो गया? उन्होंने क्या हुआ? पता नहीं, किन्हीं दफे बाइक को बोला नवी बाइक लेके दो, ये कमीनी बाइक तो ऐसे हमेशा बंद हो जाती है। अरे कोई नहीं, फिर से ट्राई करो, स्टार्ट हो जाएगी। क्या हुआ? अरे ठंड रखो जीजू, कर रहा हूँ ना। जल्दी बैठो, पकड़ो। चलो। काम कीजिए, डॉक्टर सीमा को फोन लगाइए। बस पूजा बस। डॉक्टर सीमा, मैं ईशिता। हाँ ईशिता, मैं पहुँच गई हूँ। कहाँ हो आप? जी हम बस 10 मिनट में पहुँच रहे हैं। और पूजा ठीक है? वो ठीक है। लिसन ना, मेरे हस्बैंड मिस्टर रमन कुमार भल्ला वो वहाँ पे पहुँचने वाले हैं, आप प्लीज उनको बताइएगा कि हम लोग बिल्कुल ठीक है और हम लोग 10 मिनट में वहीं पहुँच रहे हैं डायरेक्ट हॉस्पिटल में। ओके। क्या मैडम, कहाँ घूम रही हो? पता नहीं कर्फ्यू लगा है। हम नहीं, इशिता तो बात मत कर, वो लोग गुंडे। प्लीज शीशे बिल्कुल नीचे नहीं, मत करना। अब क्या होगा इशिता, अब क्या होगा? निकाल लो इनको बाहर, बड़ा घूमने का शौक चढ़ा है आज की नारी को। शीशे तोड़ दो इनके। Excuse me. देखिए मयूर विहार की एक पेशेंट यहाँ रजिस्टर्ड है, वो लेबर में चली गई है, मुझे एम्बुलेंस चाहिए इमरजेंसी। पर सर वहाँ तो कर्फ्यू है। अरे कर्फ्यू लगा मतलब क्या हुआ, उनको मरने के लिए छोड़ देंगे आप लोग? ये हॉस्पिटल आपका फर्ज बनता है जान बचाना। मैं कह रहा हूँ वो लेबर में, आप कह रही है कर्फ्यू लगा हुआ है, एम्बुलेंस चाहिए मतलब चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड द सीरियसनेस? डॉक्टर बहुत नॉनसेंस है दिस, एक लड़की वहाँ लेबर में है, मरने के दम पर है और ये कहते हैं कि वहाँ कर्फ्यू लगा, एम्बुलेंस भी भेज सकते लोग। ओके, एम्बुलेंस को बुलाओ। यस डॉक्टर। देखिए 10 मिनट में एम्बुलेंस आ जाएगी, आप थोड़ा काम डाउन हो जाइए। एंड डॉक्टर मैं एम्बुलेंस के साथ जाऊंगा। श्योर, थैंक यू। मैं फोन चार्जिंग पे लगा सकता हूँ यहाँ? आई थिंक दिस वर्क्स। हेलो, यस एम्बुलेंस, प्लीज आप जल्दी आ जाएंगे यहाँ पे? ओके थैंक यू। और आप प्लीज उनके लेबर रूम रेडी रखिए। पेशेंट का नाम? पूजा खुराना, PJAKHURANA जी। मिस्टर रमन भल्ला जी, आपकी वाइफ का फोन आया था, वो उसे लेकर कार में आ रही है। पागल है वो, बाहर कर्फ्यू लगा हुआ है और उस औरत। एक मिनट। हेलो पापा जी, क्या है ये? मैंने कहा था ना मैं आ रहा हूँ डॉक्टर को लेकर, तो इसने को क्या जरूरत थी बाहर निकलने की? बात क्यों नहीं सुनती है वो? रमन पुत्र, यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, वो लोग पुलिस वालों को समझाएंगे ना, सब ठीक हो जाएगा। अरे कैसी इमरजेंसी, तो पुलिस का डर नहीं है मुझे, डर गुंडों का है, मशाले के घूम रहे सड़क पर। हीट औरत, इतना ढीट तो मैं स्कूल में नहीं था कभी। बात सुने की ना सुने की बीमारी होगी इसको। रमन यहाँ इमरजेंसी थी, पूजा बहुत ज्यादा पेन में थी। सुन रोमी और परमीत गए हैं साथ में, अरे तू टेंशन मत ले, वो लोग पहुँचते ही होंगे वहाँ। अरे पापा बाहर निकले तो और बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आप एक काम कीजिए, रोमी और परमीत को फोन कीजिए और पता कीजिए लोग कहाँ हैं, मुझे इन्फॉर्म कीजिए, मैं हॉस्पिटल में वेट कर रहा हूँ। ओके। क्यों हो गया भला जी? रमन ने तो टेंशन दे दी, बोल रहा था कि बाहर गुंडे जो है दंगा फसाद कर रहे हैं। अयो यीशु किधर है? पिंकी बुआ,
क्या हुआ इशिना को? पुत्र कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। माता रानी का आशीर्वाद है, सब ठीक हो जाएगा। हे माता रानी, मेरे बच्चों पे अपनी कृपा करना।